हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। नेट सीएसआईआर के टॉपिक हम कंटिन्यूअसली लेते हुए आ रहे हैं और मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर अभी तक हम पढ़ रहे हैं वेक्टर एनालिसिस। अब वेक्टर एनालिसिस के अंदर अभी तक हमने क्या पढ़ा है, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं, इसी टाइप से स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा, इसके अलावा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, और साथ में अभी तक हमने लिया है डाइवर्जेंस, कर्ल एंड ग्रेडियंट ऑफ एनी क्वांटिटी। अब इसके न्यूमेरिकल भी हमने किए हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, वो है लाइन इंटीग्रेशन। अब लाइन इंटीग्रेशन क्या है, उसके कुछ प्रॉब्लम्स भी हम यहां पर लेंगे। सो ब्रेक के बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा लाइन इंटीग्रेशन। नाउ सबसे पहले लाइन इंटीग्रेशन क्या है। सो लाइन इंटीग्रेशन, अब हमारे पास में कोई कर्व है, कर्व हमने ले रखा है। सपोज दिस इज आवर कर्व, कर्व ए बी। यहां पर कोई पॉइंट पी है, ये हमारा ओ जो कि ओरिजिन है, और इस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर मैं मान लेता हूं आर। अब आपको क्या करना है, पॉइंट पी पर आपको एक टेंजेंट प्लॉट करनी है। सो पी टी इज अ टेंजेंट विच इज प्लॉटेड एट पॉइंट पी ऑफ कर्व ए बी। तो कर्व ए बी के पॉइंट पी पर हमने एक टेंजेंट प्लॉट की है जो हमारी पीटी है। नाउ सपोज एफ एक्स वाई जेड, ये क्या है, दिस इज वेक्टर फंक्शन, ये वेक्टर फंक्शन है और कर्व हमने ले रखा है ए बी। अब आप क्या करोगे, आपको इसका लाइन इंटीग्रेशन लेना है। तो लाइन इंटीग्रेशन का फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, उसकी अभी तक हम बात कर रहे हैं। सो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ एफ अलोंग कर्व ए बी, सो कर्व ए बी के अलोंग वेक्टर फंक्शन एफ का लाइन इंटीग्रेशन क्या होगा, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ एफ, जो आपका वेक्टर फंक्शन एफ है उसका आपको कंपोनेंट लेना है और उस कंपोनेंट का इंटीग्रेशन लेना है, और कंपोनेंट भी किस डायरेक्शन में है, दिस इज अलोंग द टेंजेंट, अलोंग द टेंजेंट टू द कर्व ए बी। तो कर्व ए बी के पॉइंट पी पर जो आपने टेंजेंट प्लॉट की है टी, इस पी टी टेंजेंट के अलोंग आपको एफ का कंपोनेंट लेना है और उस एफ के कंपोनेंट का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, और वो इंटीग्रेशन क्या होगा, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एफ अलोंग कर्व ए बी। नाउ दिस विल बी इक्वल टू, पहले कंपोनेंट की बात करें, सो कंपोनेंट ऑफ एफ अलोंग द टेंजेंट पी टी एट पी, ये क्या होगा, दिस विल बी डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ, डॉट प्रोडक्ट है किसका, एफ एंड यूनिट वेक्टर अलोंग पीटी। सो पीटी के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या है, और साथ में जो आपका फंक्शन एफ है, तो एफ एंड पीटी के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, और ये क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू
एफ डॉट डी आर बाई डी एस. सो डी आर बाई डी एस इज एक्चुअली यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट पी टी, और फिर इसका क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन कर देना है. तो इसका हम इंटीग्रेशन ले लेते हैं. सो लाइन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर बाई डी एस इंटू डी एस. सी आ गया, क्योंकि आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो ये डीएस हमने लगा दिया. अब डीएस से डीएस कैंसिल हो जाएगा, सो ये क्या आ गया, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर. सो दिस इज द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइन इंटीग्रेशन ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन. तो यहां पर ये आ गया है. अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स हम ले लेते हैं, उसके बाद में हम इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे. नाउ फर्स्ट पॉइंट हमारा है, फर्स्ट पॉइंट, अब लाइन इंटीग्रेशन एक्चुअल में बताता क्या है. अगर आपको फोर्स का लाइन इंटीग्रेशन लेना है तो वो क्या आएगा, इफ एस एफ इज वेरिएबल फोर्स, एफ कोई वेरिएबल फोर्स है, तो अगर आप वर्क डन निकालना चाहते हो तो वर्क डन अलोंग ए बी विल बी लाइन इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर. तो एफ डॉट डी आर आपका वर्क डन आएगा, और वर्क डन आप क्या बोल रहे हो, ए टू बी, सो इंटीग्रेशन कर देते हैं ए टू बी. तो इस टाइप से अगर आपके पास में फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है, तो हम जहां से जहां तक वर्क निकालना चाहते हैं तो उसके अलोंग क्या करेंगे, इसका लाइन इंटीग्रेशन ले लेते हैं. सो इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ डॉट डी आर विल बी द वर्क डन बाय दिस पर्टिकुलर फोर्स फ्रॉम ए टू बी. तो ए से बी तक जाने में ये जो फोर्स है, इस फोर्स के कारण आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, उस वर्क की वैल्यू हमारी यहां से आ जाएगी. नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, इफ वी, वी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वी रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी ऑफ अ लिक्विड, वेलोसिटी ऑफ अ लिक्विड. सो अगर वी किसी लिक्विड की वेलोसिटी बताता है, देन क्लोज्ड इंटीग्रेशन वी डॉट डी आर, ये वी डॉट डी आर क्या आ जाएगा, दिस इज सर्कुलेशन ऑफ वी, सर्कुलेशन ऑफ वी राउंड द क्लोज्ड कर्व सी. सो क्लोज्ड कर्व सी के राउंड में जो वी का सर्कुलेशन होगा वो हमको यहां से मिल जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन वी डॉट डी आर. एंड व्हाट इज वी, वी इज वेलोसिटी ऑफ अ लिक्विड. तो आपके पास में किसी लिक्विड की वेलोसिटी है, सिंपली हमने क्या किया है, इसका क्लोज्ड इंटीग्रेशन ले लिया है, तो हमको सर्कुलेशन मिल जाएगा. नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में, अब क्लोज्ड इंटीग्रेशन होगा तो हम ये लगाएंगे, और ओपन इंटीग्रेशन है तो सिंपली इस टाइप से आ जाएगा. नाउ नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फील्ड, वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फील्ड एफ इन मूविंग फ्रॉम पी टू क्यू. अब पी से क्यू आप जा रहे हो, सो उस केस में कंजर्वेटिव फील्ड जो हमारा एफ है वो कितना वर्क करेगा, अगर हम उसकी बात करें, देन दिस विल बी लाइन इंटीग्रेशन पी टू क्यू एफ डॉट डी आर, एंड दिस विल बी इक्वल टू लाइन इंटीग्रेशन पी टू क्यू डेल फाई. क्योंकि एफ अगर आपका कंजर्वेटिव है तो उस केस में
हम एफ को लिख सकते हैं डेल फाई। हमने एक न्यूमेरिकल भी लिया था, वहां पर भी स्टेप से लिया था। सो एफ को हम लिख देते हैं डेल फाई। सो डेल फाई डॉट डी आर। अब डेल फाई क्या है? डेल फाई हमारा था आई कैप डेल्टा फाई बाई डेल्टा एक्स प्लस जे कैप डेल्टा फाई बाई डेल्टा वाई प्लस के कैप डेल्टा फाई बाई डेल्टा जेड। ये हमारा डेल फाई। एंड वेक्टर डी आर क्या है? वेक्टर डी आर है आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई एंड प्लस के कैप डी जेड। ये है। सो आई का आई से, जे का जे से, के का के से डिफरेंशियल होगा। सो ये क्या आ जाएगा? सिंपली यहां पर डी फाई मिल जाएगा। या फिर हम इसको इतना सॉल्व नहीं करें तो डेल फाई का मतलब क्या है? डेल फाई एक्चुअल में है आर कैप डी फाई बाई डी आर, डी फाई बाई डी आर। ये आ गया। एंड वेक्टर डी आर क्या है? दिस इज आर कैप इंटू डी आर। नाउ आर कैप डॉट आर कैप हो जाएगा वन और डी आर से डी आर कैंसिल हो जाएगा। सो दिस विल बी इंटीग्रेशन फ्रॉम पी टू क्यू डी फाई। तो आपको सिंपली फाई का ये वन का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू फाई, या फिर आप डी फाई को सॉल्व कर दो और लिमिट क्या है पी टू क्यू। सो ये बन जाएगा हमारा फाई। सो फाई लिमिट है पी से क्यू। इट मीन्स फाई एट पी, सॉरी फाई एट क्यू माइनस फाई एट पी। तो इससे हमको मिल जाएगा वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फील्ड एफ इन मूविंग फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू। वो क्या आ गया? इंटीग्रेशन पी टू क्यू एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू फाई एट क्यू माइनस फाई एट पी। सो ये हमारा आ गया है। एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। दिस जस्ट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में आप यहां पी से क्यू जा रहे हो, चाहे इस पाथ से जाओ, इस पाथ से जाओ या फिर किसी और पाथ से जाओ, हर केस में वर्क डन की वैल्यू आपकी सेम होती है। तो यहां पर ये जो वैल्यू आ रही है इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, इट जस्ट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। तो P एंड Q की पोजीशन पर डिपेंड करेगा, किस रूट से आप P से Q गए हो उससे कोई भी मतलब नहीं है। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या है? फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, सो फोर्थ पॉइंट हमारे पास में है वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फील्ड, वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फील्ड एफ इन मूविंग इन अ क्लोज्ड पाथ। तो क्लोज्ड पाथ में मूव कर रहा है राउंड अ क्लोज्ड पाथ। सो अगर क्लोज्ड पाथ में मूव करेगा तो उस केस में वर्क क्या आएगा? इंटीग्रेशन, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ले लिया, एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू जीरो। तो इस केस में जो टोटल वर्क डन होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी जीरो। तो अगर क्लोज्ड पाथ नहीं है उस केस में फाइव क्यू माइनस फाइव पी, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है, पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है। और अगर क्लोज्ड पाथ है तो उस केस में जो वर्क डन की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? जीरो। नाउ ये कुछ पॉइंट्स है जो कि हमारा लाइन इंटीग्रेशन से, अब इससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल लेते हैं। सो लाइन इंटीग्रेशन से रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल लेते हैं। वी कम टू सम न्यूमेरिकल रिलेटेड टू लाइन इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? इफ एफ इज इक्वल टू 5xy माइनस 6x स्क्वायर आई कैप प्लस
2y minus 4x j cap. Then evaluate the line integration. Line integration आपको निकालना है. F dot dr, closed integration लिया है, along the curve C. तो curve आपको C दे रखा है. और curve C क्या है? Along the curve C in xy plane, curve C in xy plane, और कर्व क्या दे रखा है, y is equal to x cube from the point 11 to 28. सो पॉइंट हमको दे रखा है 11 to 28, कर्व दे रखा है y equal to x cube, और f की वैल्यू हमको ये दे रखी है, हमको ये निकालना है. अब ये कैसे निकालोगे? क्लोज्ड इंटीग्रेशन f डॉट dr इज इक्वल टू, f हमारे पास में ये है, वेक्टर r क्या होता है? वेक्टर r हमारा होता है i कैप x प्लस j कैप y. यहां पर केवल x y प्लेन है, इसलिए z की हम बात नहीं कर रहे हैं. और y क्या दिया है? x क्यूब. सो i कैप x प्लस j कैप x क्यूब. सो वेक्टर dr क्या आ जाएगा? दिस इज i कैप dx प्लस ये हो गया 3x स्क्वायर j कैप dx. नाउ f हमारा पास में ये है, तो आपको यहां पर भी y की जगह x क्यूब रख देना है. तो ये हो गया इंटीग्रेशन 5x y हो गया x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर i कैप प्लस 2x क्यूब माइनस 4x j कैप. देन डॉट dr हमारा ये है, सो i कैप dx प्लस 3x स्क्वायर j कैप dx ये आ गया. अब आप क्या करोगे? i का i से j का j से हमको डॉट प्रोडक्ट लेना है, और केवल ये x के अंदर डिवाइड हुआ है, केवल x बचा है, y को हमने एलिमिनेट कर दिया है. तो लिमिट क्या आएगी? x की वैल्यू आपके 1 से लेकर 2 तक. सो इंटीग्रेशन 1 टू 2. तो ये क्या होगा? इंटीग्रेशन 1 टू 2 5x रेस्ट टू 4 माइनस 6x स्क्वायर. i डॉट i करना है, यहां पर ओनली dx है, सो dx प्लस 2x क्यूब माइनस 4x j का j के साथ में लोगे, यहां पर क्या है 3x स्क्वायर. सो इनटू 3x स्क्वायर dx. अब पूरा एक साथ में ले लेते हैं. सो इंटीग्रेशन 1 टू 2 ये क्या हो गया? 3 टू द 6 6x रेस टू 5. तो सबसे पहले x के पावर 5 वाला ले लिया, अब x के पावर 4 वाला लेते हैं. 4 यहां पर है तो प्लस 5x रेस टू 4. अब क्यूब वाला चेक करो, क्यूब वाला हमको मिल रहा है यहां पर, ये कितना हो जाएगा? माइनस 12x क्यूब. सो माइनस 12x क्यूब, लास्ट में ये बचा हुआ है माइनस 6x स्क्वायर dx. अब सिंपली हमको इंटीग्रेशन करना है और कुछ भी नहीं करना है. तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं. सो चेक कर लेते पहले सही है क्या. नाउ इंटीग्रेशन कर दो, और लिमिट हमको लगानी है 1 से लेकर 2 तक. तो ये क्या हो जाएगा? सिक्स एक्स रेस टू 6/6 प्लस 5 एक्स टू द पावर 5/5 माइनस 12. ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 4/4, यहां पर माइनस 6 एक्स क्यूब/3. एंड लिमिट क्या है?
1 to 2 ये लिमिट रख दी। अब आप जो कैंसिल हो जाए उसको कैंसिल कर दो, तो यहां पर ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4 3 12 एंड 3 2 6। सो x रेज टू 6 प्लस x रेज टू 5 माइनस 3x^4 माइनस 2x³ एंड लिमिट लगा देते हैं 1 से लेके 2 तक। अब सिंपली आप लिमिट रख दो। सो लिमिट रखोगे तो पहले x की जगह 2 रखते हैं, सो 2 की पावर 6, देन 1 रखोगे तो 1 की पावर 6 प्लस 2 रेज टू 5 माइनस 1 रेज टू 5 माइनस 3। यहां पर रखें हम तो 2 रेज टू 4 माइनस 1 की पावर 4 माइनस 2, यहां पर रखो 2 की पावर 3 माइनस 1। सॉल्व कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। सो अगर हम इसको सॉल्व करें तो वैल्यू क्या आएगी इसकी, 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 क्या होता है, 64। सो 64 1 में बाद में लूंगा, प्लस ये हो गया 32, ये 1 और ये 1, ये माइनस 2। अब हम इसकी बात करते हैं, 3 into ये क्या हो गया 16 माइनस 1, इसका मतलब 15, और 15 into 3 45। अब ये बच गया, ये हो गया 8 माइनस 1, इसका मतलब 7, एंड 7 को 2 से किया तो 14। सो ऐड कर दो, ये हो गया 96 माइनस, ये क्या बचा है, ये हो गया 45 एंड 2 47, एंड 47 और 14 क्या हो जाएगा 61। सो 96 माइनस 61, और 96 माइनस 61 करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये 35। तो इसका आंसर आ गया है 35। तो जो हमने क्वेश्चन किया उसका आंसर आ रहा है 35। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, इसको हटा देता हूं मैं। क्वेश्चन 2, इफ अ फोर्स फील्ड ए, फोर्स फील्ड ए दे रखा है y i cap माइनस x j cap, इफ अ फोर्स फील्ड ए इज अप्लाइड, अप्लाई कहां कर रहे हो, टू अ पार्टिकल, देन द वर्क डन, वर्क डन निकालना है, और वर्क डन कितने निकालोगे, बाय द फोर्स फील्ड इन ट्रेवर्सिंग द पार्टिकल राउंड अ सर्कल। तो पार्टिकल को आप राउंड अ सर्कल लेके जा रहे हो, और सर्कल क्या है, सी, इन एक्स वाई प्लेन, सर्कल हमारा एक्स वाई प्लेन में है, और साथ में क्या दिया है, विथ सेंटर एट ओरिजिन, सर्कल का सेंटर है ओरिजिन पर, एंड रेडियस है आपकी 1। तो कोई सर्कल आपके पास में है, उसकी रेडियस है 1, सेंटर है ओरिजिन पर, एक्स वाई प्लेन में है, उसके राउंड में हम एक पार्टिकल लेके जा रहे हैं, और पार्टिकल का फोर्स फील्ड ये है, तो उस केस में वर्क की वैल्यू क्या होगी, ये हमको निकालना है, और वर्क डन हमको पता है एफ डॉट डी आर होता है। सो वर्क डन क्या हो जाएगा, इसने आंसर इसके दे रखे हैं 2π माइनस 2π 8π एंड फोर्थ आंसर दे रखा है माइनस 8π। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा वो हमको निकालना है। तो वर्क डन हम निकालते हैं, वर्क डन होता है एफ डॉट डी आर, और यहां पर एफ का मतलब है ए, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ए डॉट डी आर। अब बात आती है डी आर की, अब डी आर क्या होगा, नाउ डी आर
आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई, क्योंकि आर हमारा पोजिशन वैक्टर है और पोजिशन वैक्टर अभी आपको बताया था आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में है. सो वेक्टर डी आर हो जाएगा आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई. नाउ ए हमारे पास में ये है, डी आर ये है. सो ए डॉट डी आर कर दो, ए डॉट डी आर क्या हो जाएगा, लाइन इंटीग्रेशन, आई का आई से करोगे, जे का जे के साथ करोगे, तो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई ये आ गया. अब हमको चाहिए लिमिट, तो लिमिट लगानी है. लिमिट कैसे लगाओगे, सर्कल है तो सर्कल के लिए एक्स होता है हमारा आर कॉस थीटा और वाई होता है आर साइन थीटा. ये सर्कल की इक्वेशन है. नाउ वाई की जगह तो हम रख देंगे आर साइन थीटा, पर यहां पर रेडियस वन दे रखी है तो एक्स हमारा कॉस थीटा और वाई है साइन थीटा. सो इंटीग्रेशन, वाई की जगह रख दिया साइन थीटा, एक्स है हमारा कॉस थीटा, डीएक्स चाहिए आपको, सो माइनस साइन थीटा डी थीटा. एक्स का डिफरेंशियल कर दिया, माइनस साइन थीटा डी थीटा. अब इसकी बात करोगे, माइनस एक्स हमारे पास में कॉस थीटा, वाई है साइन थीटा, आपको डी वाई निकालना है. डी वाई क्या हो जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा. सो माइनस आप कॉमन ले लो, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये आपका वन होता है. सो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी थीटा. अब राउंड द सर्कल इसने बोला है, तो हमारा सर्कल यहां से आपने स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग पॉइंट जीरो, पूरा राउंड कर लिया, एंगल हो गया टू पाई, तो लिमिट क्या जाएगी जीरो टू टू पाई. अब सिंपली आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करोगे रिजल्ट क्या जाएगा माइनस टू पाई, इट मींस करेक्ट आंसर इज बी माइनस टू पाई. नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लेते हैं, नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम क्या है, इवेल्यूएट, वैल्यू निकालनी है इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है. एफ क्या दे रखा है, एफ इज एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर आई प्लस वाई क्यूब जे कैप. ये हमको एक्स दे रखा है, एक्स दी सॉरी एफ दे रखा है, एफ है एक्स स्क्वायर आई प्लस वाई स्क्वायर, एफ दिया है एक्स स्क्वायर आई प्लस वाई क्यूब जे. नाउ ये जो सी है, सी क्या है, सी इज द आर्क ऑफ पैराबोला. पैराबोला का आर्क है और पैराबोला हमको क्या दे रखा है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन एक्स वाई प्लेन. तो एक्स वाई प्लेन में पैराबोला है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस पैराबोला का आर्क हमारा है सी और इसकी वैल्यू हमको निकालनी है एफ डॉट डी आर. अब डी आर आपको पता है, डी आर होता है आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई. सो ये हम कर लेते हैं, तो y हमारे पास में एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब dy अगर निकालोगे तो वो क्या जाएगा 2x dx. नाउ इंटीग्रेशन f डॉट dr इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस y की जगह क्या रखोगे एक्स स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर की पावर 3, इसका मतलब x की पावर 6, j कैप डॉट वेक्टर डी आर लेना है और वेक्टर डी आर क्या है आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई.
ये है, और dy का क्या मतलब है, 2x dx. So i cap dx plus 2x dx j cap. dy की जगह 2x dx रख दिया और j cap अपनी जगह पर है. अब डॉट प्रोडक्ट ले लो. तो जैसे आप डॉट प्रोडक्ट लोगे, सो x स्क्वायर dx प्लस 2x की पावर 6 यहां पर है, x यहां पर है, x की पावर 7 dx. अब बात आती है लिमिट की. अब लिमिट क्या लगाएं हम, xy प्लेन की बात कर रहा है. तो लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, लिमिट उसने दे रखा है इन xy प्लेन फ्रॉम 0 0 टू 1 1, ये हमारी लिमिट है. और यहां पर हमको लिमिट x की चाहिए, तो x की लिमिट क्या है, 0 से 1. तो 0 टू 1 सिंपली इंटीग्रेशन कर दो, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया x क्यूब बाई 3 प्लस 2, x की पावर 7 का हो जाएगा x की पावर 8 अपॉन 8, और लिमिट 0 टू 1. 0 रखोगे तो सारे 0 हो जाएंगे, तो सिंपली मैं 1 रख देता हूं, तो 1 बाई 3 प्लस ये कैंसिल हो गया, तो 1 बाई 4, तो लिमिट एलसीएम क्या आ गया 12, 4 प्लस 3 7, तो आंसर आ रहा है इसका 7 बाई 12. तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे 7 अपॉन 12. नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम है इफ f इज इक्वल टू 2x plus y i cap plus 3y plus x j cap, then evaluate line integration f dot dr. ये निकालना है, f हमको ये दे रखा है. अब कर्व जो c है, c क्या है, c इज द कर्व इन xy प्लेन कंसिस्टिंग ऑफ द स्ट्रेट लाइंस फ्रॉम 0 0 टू 2 0 एंड देन 3 2. तो c हमारा कर्व है, कौन सा कर्व है, स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन कहां से कहां जा रही है, 0 0 से 2 0 और 2 0 से 3 2. तो कर्व सी हमारा हो गया ये 0 0 0 0 से 2 0 एंड 2 0 से 3 2. तो यहां कहीं चला गया ये 3 2. तो ये हमारा कर्व है सी. अब इसको हमको पूरा लेना है. तो एक्चुअल में यहां पर दो पाथ हो गए. दो पाथ कौन कौन से हो गए, एक पाथ तो हमारा है O से A, देन A से B. तो इन दोनों पाथ का हम सम करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा. सो ये क्या आ जाएगा, पहले मैं F डॉट dr की बात करता हूं. सो इंटीग्रेशन C F डॉट dr क्या हो जाएगा, F ये रहा 2x plus y i cap plus 3y plus x j cap. डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, i cap dx plus j cap dy इसके साथ. सो ये हो गया इंटीग्रेशन 2x plus y dx plus 3y plus x dy. अब पहले हम इस पाथ की बात करेंगे फिर इस पाथ की बात करेंगे. तो पहले हम ले लेते हैं लाइन ए बी, सॉरी लाइन ओ ए. तो अगर मैं पाथ ओ ए लेता हूं तो यहां पर क्लियर है कि केवल आपका x वेरी कर रहा है. x कहां से कहां वेरी कर रहा है,
एक्स आपका 0 से लेकर 2 तक, जबकि वाई क्या है हमारा 0, वाई में कोई वेरिएशन नहीं है। तो यहां पर मैं वाई को 0 कर दूंगा और केवल एक्स की लिमिट रखनी है 0 से 2। तो पाथ ओए के लिए आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 2, ये आपका 0, सो 2x dx प्लस ये 0 x dy। अब y 0 है, y 0 इसका मतलब dy क्या जाएगा, dy भी 0, तो ये फैक्टर हमारा 0। तो ये क्या आ गया, सिंपली आपको 2x का इंटीग्रेशन करना है, तो 2x स्क्वायर बाय 2, लिमिट है 0 से 2, 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो ये क्या आ जाएगा 4। तो पाथ OA के लिए f डॉट dr की वैल्यू आ रही है 4, तो OA के लिए तो आ गया 4। अब पाथ AB के लिए हम चेक करते हैं वो क्या आता है, तो एक तो हमारा 4 आ गया। अब पाथ AB की हम बात कर रहे हैं, अब AB क्या है, AB इज स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, अगर टू पॉइंट्स आपको दे रखे हैं और आपको स्ट्रेट लाइन निकालनी है तो वो क्या होती है, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन होता है, एम का मतलब यहां पर हो गया वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अब यहां पर मैं इसको x1 y1 मान लेता हूं, इसको x2 y2 मान लेता हूं, तो ये क्या हो गया y माइनस y1 मीन्स 0 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 है 2, y1 है 0, तो 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, x2 क्या है 3, x1 है 2, तो 3 माइनस 2 इंटू x माइनस x1, सो x माइनस ये 2। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, तो y इक्वल टू 2x 2 इंटू एक्स माइनस 2, ये हमको इक्वेशन मिल गई है, चेक कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन है हमारे पास में 2x माइनस 4। सो आपको क्या करना है, यहां पर y की जगह क्या रखोगे 2x माइनस 4, यहां पर भी y की जगह 2x माइनस 4, और dy की जगह क्या रखोगे, अगर मैं इसका डिफरेंशियल करूं तो dy हो जाता हमारा 2, तो dy को आपको 2 रखना है और y की जगह 2x माइनस 4 रखना है, तो हम रख देते हैं और देख लेते हैं पाथ AB के लिए वैल्यू क्या आती है। सो पाथ AB इंटीग्रेशन, सब कुछ x में चेंज हो जाएगा और x की लिमिट यहां पर क्या है 2 से 3, सो 2 से 3 आ गया, ये वैल्यू रख दो, सो 2x प्लस y की जगह क्या आएगा 2x माइनस 4 dx प्लस, इसकी बात करें y की जगह आप ये रख रहे हो तो हो गया 6x माइनस 12 और ये x अपनी जगह पर है इंटू dy, dy का मतलब 2dx, 2dx आएगा इंटू 2dx, पूरा ओपन कर दो, सो इंटीग्रेशन 2 टू 3 ये 2x प्लस 2x ये हो गया 4x, तो 4x माइनस 4 तो यहां पर, इधर क्या है 6 और 1 हो गया 7, 7 टू जा 14, ये 14x और साथ में क्या है माइनस 24, तो ये क्या हो गया 14 प्लस 4 18x माइनस 28 dx। अब हमको सिंपली इसको सॉल्व करना है 14x माइनस 28 को, कर दो इसको सॉल्व, केवल x का इंटीग्रेशन करना और कुछ भी नहीं करना है,
सो 18 एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 28x, ये 2 से कैंसिल होगा, तो हो गया 9x स्क्वायर माइनस 28x, रख दो लिमिट, तो लिमिट में रख देता हूं x की, और x की लिमिट क्या है 2 to 3। तो जैसे आप लिमिट रखोगे 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 28, 3 माइनस 2, ये क्या होगा 9, 9 माइनस 4 माइनस 28 इंटू 1, ये आ गया। अब सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा 5, 9 5 45, तो 45 माइनस 28, और उस 14 को भी मैं यहां 4 को भी यहां पर जोड़ देता हूं, तो हो गया 45 माइनस 24, और ये आ जाएगा 69। सब्ट्रैक्ट करना है तो ये हो गया 21, तो आंसर इसका आ जाएगा 21। नेक्स्ट हमारा क्या है, फाइंड द टोटल वर्क डन इन मूविंग ए पार्टिकल इन अ फोर्स फील्ड गिवन बाय, फोर्स फील्ड हमको दे रखा है एफ इज इक्वल टू 3xy आई कैप माइनस 5z j कैप प्लस 10x k कैप, ये फोर्स फील्ड हमको दे रखा है, और कर्व हमको दे रखा है अलोंग द कर्व x इक्वल टू t² + 1, y इक्वल टू 2t² एंड z इक्वल टू t³, और लिमिट हमको दे रखी है फ्रॉम t = 1 to t = 2। तो फोर्स फील्ड हमको दे रखा है f, जो हमारा ये है, कर्व हमको ये दे रखा है, और लिमिट हमको दे रखी है t = 1 to t = 2। तो आपको वर्क डन की वैल्यू निकालनी है, तो वर्क डन हम निकाल देते हैं, टोटल वर्क डन आ जाएगा इंटीग्रेशन f.dr, f हमारा ये, और dr क्या है idx + j dy + k dz, तो ये जाएगा 3xy dx माइनस 5z dy प्लस 10x dz। अब ये dr की वैल्यू मैंने रख दी है और डॉट प्रोडक्ट भी कर दिया, अब मैं ये वैल्यूज रख देता हूं, सो लिमिट तो आपके 1 से लेकर 2, 3, x की जगह क्या रखोगे t² + 1, y की जगह 2t², और dx क्या हो जाएगा यहां से 2t, ये 2t प्लस, हम इसकी बात करें तो माइनस है, सॉरी, सो माइनस 5z क्या हो गया t³ dy, dy यहां से क्या जाएगा 4t dt, सो 4t dt प्लस 10x, x क्या है t² + 1, सो t² + 1 एंड dz क्या आ जाएगा यहां से 3t² dt, सो 3t² dt। सो आपको इसको सॉल्व करना है, तो थोड़ा और इजी बना लेते हैं, सो 1 to 2 ये क्या आ गया 12t³ × t² + 1, सही है, 2 to 4, तो 4t² इससे किया, सॉरी 4 यहां पर गड़बड़ है, ये dx आपने किया तो dx क्या आ जाएगा 2t dt, साथ में यहां पर dt और लिखना है, तो ये क्या हो गया 4t³, और उसको 3 से किया तो 12t³ × t² + 1 dt माइनस ये हो गया
ट्वेंटी टी रेस टू फोर डी टी प्लस ये क्या गया थर्टी टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर प्लस वन डी टी। ये पूरे स्टेप से चल रहा है। सो इंटीग्रेशन वन टू टू ये हो जाएगा ट्वेल्व टी की पावर सिक्स सॉरी फाइव, फिर ये हो गया प्लस ट्वेल्व टी क्यूब माइनस ट्वेंटी टी रेस टू फोर प्लस थर्टी टी रेस टू फोर प्लस थर्टी टी स्क्वायर और साथ में डी टी। अब सिंपली आप इसको ऐड कर दो और उसके बाद में हमको इंटीग्रेशन करना है, तो ऐड करके हम चेक कर लेते हैं। ये हो गया 12 टी रेस टू फाइव, सो इंटीग्रेशन 1 टू 2 12 टी रेस टू फाइव। अब टी रेस टू 4 लेते हैं, ये माइनस का 20 ये प्लस का 30, तो प्लस 10 टी रेस टू 4 अब टी क्यूब 12 टी क्यूब और कुछ भी नहीं है, सो प्लस 12 टी क्यूब और लास्ट में ये प्लस 30 टी स्क्वायर डी टी। अब इसको सॉल्व करना है और लिमिट लगानी है 1 टू 2। सो एक बार चेक कर लेता हूं मैं सही है क्या, 12 टी रेस टू 5 प्लस 12 टी क्यूब, एक मिनट इसको सॉल्व कर देंगे पता चल जाएगा क्या आ रहा है। सो ये आ जाएगा 12 टी रेस टू 6 अपॉन 6 प्लस 10 टी रेस टू 5 अपॉन 5 प्लस 12 टी रेस टू 4 अपॉन 4 प्लस 30 टी क्यूब अपॉन 3। कैंसिल कर दो, 6 टू द 12 5 टू द 10 4 थ्री द 12 एंड 3 टेन जा 30, क्या आ गया 2 टी रेस टू 6 प्लस 2 टी रेस टू 5 प्लस 3 टी रेस टू 4 एंड प्लस 10 टी क्यूब और लिमिट क्या है 1 से 2। अब लिमिट रख दो और हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो हम लिमिट रख देते हैं, सो 2 टी की पावर 6 का क्या मतलब हो गया 2 की पावर 6 क्या हो जाएगा ये 64 प्लस 2 2 की पावर 5 का मतलब हो जाएगा 32 प्लस 3 इंटू 2 की पावर 4 हो गया 16 प्लस 10 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8 माइनस, अब सब जगह आपको 1 रखना है 5 टी की जगह, तो ये क्या हो गया 2 प्लस 2 सारा माइनस में चल रहा है प्लस 3 प्लस 10। सॉल्व कर दो क्या आ रहा है, ये हो जाएगा 128 प्लस ये 64 प्लस ये 48 प्लस ये 80 माइनस 17। ऐड कर दो इसको, ये 20 2 प्लस 6 8 8 प्लस 4 12 12 और 8 20 और 20 और ये 2 22 2 ये बच गया आपका ये 320 माइनस 17 और ये आ जाता है 303। आंसर चेक कर लेते हैं 303 है या और कुछ है, तो यहां पर आंसर आ रहा है हमारा 303, तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया है। सो यहां पर हम आज का हमारा टॉपिक एंड करते हैं। आज हमने लाइन इंटीग्रेशन पढ़ा है, सो लाइन इंटीग्रेशन आपको क्या रिप्रेजेंट करता है और अगर आपके पास में कोई फोर्स फील्ड है और आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करना है अलोंग अ कर्व, तो उस केस में वर्क डन की वैल्यू क्या होगी जो कि हमको लाइन इंटीग्रेशन से मिलेगी, तो वो आप कैसे सॉल्व करोगे वो सारा हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो इसी टाइप से हम टाइम टाइम पर आपके सामने नए नए कंटेंट लेकर आते रहेंगे, तो
तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।